नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, UPNHM 17,000 प्लस पोस्ट एनम जिला आवंटन महत्वपूर्ण नोटिस कब तक, रिजल्ट पेंडिंग रिजल्ट कब तक। UPNHM की तरफ से रिजल्ट स्कोर कार्ड नियुक्ति पत्र की तैयारी शुरू, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया रोस्टर सिस्टम लागू। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, जो मैं आपको न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, ये अपडेटेड न्यूज़ है। आज ही की अपडेटेड न्यूज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वीडियो पर बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। दोस्तों, UPNHM की तरफ से एनम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए जिला आवंटन की लिस्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली है, वह भी नोटिस जल्द से जल्द, क्योंकि 75 जिले के में जो आप लोग से जिला आवंटन के लिए भरवाया गया था, उसके लिए दोस्तों CMO सर को जो है नोटिस भेजी जा रही है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू करिए, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जल्द से जल्द निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, मेल ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है और फिर उसके बाद जो है रिजल्ट दोस्तों जो पेंडिंग है स्टाफ नर्स का रिजल्ट आप लोगों को आज देर शाम तक या कल तक दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, नियुक्ति पत्र भी तैयार हो गए हैं। जिन जिन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दोस्तों उनका नियुक्ति पत्र तैयार हुआ है, जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ है नहीं, जो आपने फॉर्म में लगाया था वही रहेगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तभी जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को एफिडेविट लगा देंगे, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि यह फाइनली सिलेक्ट जो है लिस्ट निकाली गई है। और इसके साथ में दोस्तों स्टाफ नर्स का रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा और स्कोर कार्ड भी जारी हो गया, वो भी आप लोगों ने देख लिया है। नियुक्ति पत्र की तैयारी भी शुरू की जा रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत आपको ही वो जो है 1 से 2 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू हुई है, बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं सर मेरा इतना ज़्यादा नंबर था उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ है, मेरी सहेली का जो है कम नंबर था मुझसे हो गया। हो सकता है दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते समय कहीं आपने कैटेगरी में जनरल तो नहीं डाल दिया है, वो भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। रोस्टर सिस्टम सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है दोस्तों, रोस्टर सिस्टम। देखिए दोस्तों, जब आपने फार्म अप्लाई किया था उस समय 75 जिला जो है आपने भरा था, जो है यह है UPNHM की तरफ से सभी के मेल आईडी पर मेल आया था कि आप ये जिला भर दीजिए, जितने ज़िले में सीट जहां पर खाली है वो सब जिला को आपको भरना अनिवार्य है। तो उसके लिए मौका भी दिया गया था, 5-7 दिन का जो भी दिया गया था दोस्तों, बहुत लोगों ने भरा है, बहुत लोगों ने नहीं भरा है। जिन लोगों ने नहीं भरा है वो भी परेशान ना हो, उनके लिए भी विकल्प है दोस्तों, और क्योंकि वो रोस्टर सिस्टम के अनुसार ही यह सब होगा। जैसे जितना नंबर आपका अच्छा होगा उसी प्रोग्राम में आपको वही ज़िला मिलेगा और वो उसी हिसाब से ज़िला आवंटन भी होगा, फिर आपको उसी ज़िले में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CMO ऑफिस में जाके करवाना पड़ेगा। ये रही दोस्तों अपडेटेड न्यूज़। और कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर हम 1 से 2 प्रोग्राम में 3 प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं। देखिए दोस्तों, जहां भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे एक ही से जो है प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा पाएंगे, 2 में नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जिसमें भी आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराने के लिए वहाँ पर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट सब कुछ देखी जाएगी और वह रख ली जाएगी। 5 सेट फोटो कॉपी जो रहेगी उसमें से 3 सेट उनके पास रहेगी, 2 सेट आपको दे दी जाएगी। तो ओरिजिनल जो आपकी सभी मार्कशीट वगैरह है सब वहीं पर जमा हो जाएगी, इसलिए आप दूसरे प्रोग्राम को जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाएंगे। अगर नहीं जमा होगी तो इस तरह से दोस्तों कई सीटें खाली ही चली जाएंगी, तो आप लोग सोच समझ कर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसमें जो जो लगाए हैं वही सब चेक होगा, उसके बाद जो है आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का गलत होगा उनको मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से यह देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी को छांटा ना जाए। हाँ, उन्हीं अभ्यर्थियों को निकाल दिया जाएगा, जैसे बहुत से अभ्यर्थी अपियरिंग वाले हैं, अगर अपियरिंग वाले अभ्यर्थी हैं जो अभी ANM कर रहे हैं वह कतई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ना जाएँ। और दोस्तों इसके साथ में जो UP SSC में कुछ बहनें सेलेक्ट हुई हैं वह भी यह फॉर्म डाली हुई थी, वो लोग भी इसमें सेलेक्ट हुई हैं, तो वो तो एकदम नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि काफ़ी सीटें खाली जाने वाली हैं। मैटरनल हेल्थ में 50% जो है सीट एकदम खाली चली जाएगी, क्योंकि उसमें UP SSC ANM की ही अभ्यर्थी ज़्यादा सेलेक्ट हुई हैं।
और इसके साथ में वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी ना परेशान हों, जैसे ही यह सब कुछ क्लियर होगा उसके बाद वेटिंग लिस्ट का ही नंबर है और वेटिंग लिस्ट वालों को जल्द से जल्द क्लियर करा दिया जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया एकदम आसान होती चली जा रही है, काम तेज़ी से हो रहा है। UPNHM में दोस्तों और कोई पेंडिंग भर्ती नहीं रह गई है। CHO की भर्ती 5500 वाली रह गई थी दोस्तों, कुछ लोग अभ्यर्थी उसमें रह गए थे, तो उनका भी जो है फाइनल हो गया है। अब 20-25 बच्चे जो फिर हैं, अब 17,000 पोस्ट यही UPNHM के पास है और इसी का जो है सब कुछ करना है। फिर इसके बाद नई भर्ती आप लोगों को देखने को फिर से मिलने वाली है और वो भी बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाली है फिर से UPNHM की तरफ से। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो UP SSC NM में सिलेक्ट हुई हैं अभ्यर्थी, बहुत से इधर उधर भी सिलेक्ट हो गई हैं, वो छोड़ दिए हैं, तो जिसके कारण से सीटें खाली हैं, तो वह सीटें नई भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहें दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर UP SSC NM, UPPSC स्टाफ नर्स और इन सब की तैयारी कराई जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट अपलोड होना शुरू हो गए हैं, फ्री में सब कुछ स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं। तो आप फ्री हेल्थ फाउंडेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, मैं इस चैनल पर भी कम्युनिटी पोस्ट मार दूंगा। तो बहुत अच्छा जो है प्रश्न है दोस्तों, आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करिए, उसमें से 60 से 65 क्वेश्चन एकदम डिक्टो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन केवल 10 से 15 क्वेश्चन पे ही होता है, 50-55 क्वेश्चन तो हर अभ्यर्थी कर लेता है, लेकिन वही 10 क्वेश्चन जो रहता है जो सिलेक्शन दिलाता है आपको, वही लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उसी को मैंने आपको बताया है। तो फ्री हेल्थ फाउंडेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ से स्टडी मटेरियल को फ्री में पाएँ दोस्तों। और इसके साथ में जितनी भी स्टाफ नर्स की बहनें हैं, अगर UPPSC में आवेदन की हैं प्री एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पर जो है प्री एग्ज़ाम के लिए जो है नोटिस वगैरह आ गई है, आपका दिसंबर में परीक्षा प्रस्तावित है, तो आप लोग दिसंबर में एकदम तैयार रहिएगा। यह सब जो सिस्टम था दोस्तों मैं आप लोग को बता दिया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।